अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को लगभग सुबह 4 बजे से लेकर 4:15 के बीच ग्वालियर मध्य प्रदेश में ज्येष्ठ नक्षत्र के द्वितीय चरण और तुला लग्न में हुआ था। इनके जन्म के समय लग्न में ही तुला राशिगत शनि बैठकर योगों में प्रधान पंच महापुरुष योग शासक जनप्रिय और चक्रवर्ती योग बनाए हुए हैं। वहीं द्वितीय वाणी भाव में चंद्र और शुक्र बैठे हुए हैं, जबकि तृतीय पराक्रम भाव में सूर्य बुध और गुरु, चतुर्थ भाव में केतु और छठे शत्रु भाव में मंगल बैठे हैं, जबकि राजनीति के कारक ग्रह राहु दशम कर्म भाव में है। लग्नेश शुक्र का कुंडली के राजयोग कारक ग्रह शनि के नक्षत्र में बैठना और कर्म भाव के स्वामी चंद्र का भाग्य भाव के स्वामी बुध के नक्षत्र ने एक साथ वाणी भाव में बैठकर इन्हें कुशल और प्रखर वक्ता और लोकप्रिय बनाया। अटल जी के जन्म कुंडली में अष्टक वर्ग के लग्न में ही सर्वाधिक 37 बिंदु हैं, जो कि अटल जी का व्यक्तित्व निखारने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इन्हीं प्रभावशाली श्रेष्ठतम बिंदुओं के फलस्वरूप दशमेश और लग्नेश इन्हें भारत रत्न जैसे श्रेष्ठतम नागरिक सम्मान से अलंकृत किया। इन्हीं दशमेश चंद्रमा की अंतर दशा के मध्य में उन्हें सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से अलंकृत करने की घोषणा भी की गई। वहीं तीसरे पराक्रम भाव सूर्य और छठे भाव में विराजमान पृथ्वी पुत्र मंगल ने इन्हें अदम्य साहसी और शत्रु मर्दी बनाया। पंचम भाव के स्वामी शनि का लग्न में होना दत्तक संतान के योग भी बनाता है, जो इनके जीवन में कहीं कहीं दृष्टि गोचर होता है। लेकिन गौर करें तो कुंडली में प्रमुख भूमिका निभाने वाले ग्रह जनता के कारक शनि, चंद्रमा राजनीति के कारक राहु मुख्य हैं। अटल जी का जीवन शनि, राहु और चंद्रमा के इर्द गिर्द घूमता रहा है। शनि ने इन्हें जनप्रिय बनाया तो वहीं राजनीति में प्रखरता राहु के प्रभाव के चलते आई। अटल बिहारी वाजपेयी के सेहत की बात करें तो इनकी कुंडली में मई 2018 के शुरू से ही शनि की महादशा शुरू हुई और इस समय 7.5 भी चल रही है। इसलिए शनि की 7.5 और दशा और बृहस्पति का गोचर इन्हें शारीरिक कष्ट प्रदान कर रहा है, जो कि अक्टूबर 2018 तक जारी रहेगा। वर्तमान समय में इन पर शनि की 7.5 का अंतिम 200 दिन पैनिक रहेगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन में चलने वाली 2700 दिन की 7.5 का अंतिम समय 200 दिन का वास प्राणी के बुधा स्थान पर रहता है, जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि वालों पर चल रहा है। लेकिन अगर वृश्चिक राशि वालों पर किसी भी प्रकार से शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी चल रही होगी तो उनके लिए ये समय अत्यंत ही कष्टकारक रहेगा। ये इतना कष्टकारक रहता है कि दशा समाप्ति के बाद भी मनुष्य उससे भयभीत रहता है। नेक्स्ट 9 भक्ति सागर से विनीत राय की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।